नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आप इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी यूपीएससी जीडीसी नेट कॉमर्स विषय की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम जर्नल अर्थात रोजनामचा से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? नंबर एक जर्नी, नंबर दो जर, नंबर तीन जर्नल और नंबर चार जर्न। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो जर। जर का अर्थ होता है डे। तो देखिए, आपकी परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि जर्नल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा फ्रेंच भाषा के शब्द। हमारा अगला प्रश्न है, जर्नल में लेखा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नंबर एक जर्नलाइजिंग, नंबर दो पोस्टिंग, नंबर तीन एंट्री और नंबर चार उपरोक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक जर्नलाइजिंग। जर्नल में एंट्री करने की प्रक्रिया जर्नलाइजिंग कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, जर्नल के प्रारूप में कितने खाने होते हैं अर्थात कितने कॉलम होते हैं? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक चार, नंबर दो पाँच, नंबर तीन छः और नंबर चार आठ। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो पाँच। जर्नल के प्रारूप में पांच कॉलम होते हैं। पहला जो कॉलम होता है वो डेट का होता है, उसके बाद में दूसरा कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, तीसरा कॉलम एलएफ का होता है, चौथा कॉलम अमाउंट डेबिट का और पांचवा कॉलम अमाउंट क्रेडिट का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जर्नल में धनी क्रेडिट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? नंबर एक बाई, नंबर दो डेबिट, नंबर तीन क्रेडिट, नंबर चार टू। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार टू। तो देखिए, जर्नल में क्रेडिट शब्द के लिए टू शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापारिक लेन देनों को लिखने की मूल पुस्तक कौन सी है? नंबर एक रोकड़ बही, नंबर दो जर्नल, नंबर तीन खाता बही, नंबर चार तलपट। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर दो जर्नल अर्थात रोजनामचा। हमारा अगला प्रश्न है, रोजनामचा का प्रयोग नंबर एक त्रुटियों को समाप्त करता है, नंबर दो लेन देनों का वर्गीकरण करता है, नंबर तीन कार्य का विभाजन करता है और नंबर चार समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार समस्त लेन देनों को एक स्थान पर दर्ज करता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरेश को नकद माल बेचा डेबिट किया जाना चाहिए। नंबर एक सुरेश का खाता, नंबर दो विक्रय खाता, नंबर तीन रोकड़ खाता और नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सुरेश को जो हमने माल बेचा है, माल नगद बेचा है, इसलिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर कैश अकाउंट अर्थात रोकड़ खाता डेबिट होगा। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नकद रकम निकालने पर कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, नंबर एक आहरण खाता, नंबर दो पूंजी खाता, नंबर तीन रोकड़ खाता और नंबर चार क्रय खाता। तो देखिए, जब व्यापार का स्वामी अपने लिए नगद रकम निकालता है तो उसके लिए एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखिए, यदि यहाँ पर प्रश्न होता कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा तो यहाँ पर आहरण खाता डेबिट किया जाता। और अब यहाँ पर पूछा गया है कौन सा खाता क्रेडिट किया जाएगा तो यहाँ पर रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से खाते का शेष सदैव क्रेडिट रहता है? नंबर एक पूंजी खाता, नंबर दो विनियोग खाता, नंबर तीन बैंक खाता और नंबर चार ब्याज खाता। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक
पूंजी खाता, पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही रहता है। विनियोग खाता जो होता है उसका शेष डेबिट होता है। बैंक खाते का और ब्याज खाते का शेष कभी डेबिट होता है और कभी क्रेडिट होता है। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विक्रय पर दिया गया बट्टा नंबर एक ग्राहक के खाते में डेबिट होगा, नंबर दो ग्राहक के खाते में क्रेडिट होगा, नंबर तीन लाभ हानि खाते में डेबिट होगा और नंबर चार इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब बिक्री के समय ग्राहक को बट्टा दिया जाता है तो उसे व्यापारिक बट्टा कहते हैं और व्यापारिक बट्टे का पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑफिस फर्नीचर का विक्रय डेबिट किया जाना चाहिए, नंबर एक फर्नीचर खाते में, नंबर दो विक्रय खाते में, नंबर तीन रोकड़ खाते में और नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम फर्नीचर का विक्रय करेंगे तो उसके लिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ पर डेबिट पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर रोकड़ खाते में हमारा आंसर सही होगा। और यदि क्रेडिट पूछा जाता तो यहाँ पर फर्नीचर खाते में आंसर हो सकता था। हमारा अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस बही की सहायता से जर्नल में लेखा किया जाता है, नंबर एक याददाश्त की बही, नंबर दो रोकड़ बही, नंबर तीन खाता बही और नंबर चार इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक याददाश्त की बही। हमारा अगला प्रश्न है, जर्नल में लेखा किया जाता है, नंबर एक वार्षिक, नंबर दो छमाही, नंबर तीन महीनेवार और नंबर चार तिथिवार। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार तिथिवार। जर्नल में सभी जो एंट्रियां होती हैं वह तिथिवार ही की जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रविष्टियां काल क्रमानुसार होती हैं, नंबर एक जर्नल में, नंबर दो खाता बही में, नंबर तीन तलपट में और नंबर चार आर्थिक चिट्ठे में। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है नंबर एक जर्नल में। वैसे एंट्रियां तो खाता बही में भी क्रमानुसार की जाती हैं, परंतु सारी प्रविष्टियां जो हैं वो जर्नल में काल क्रमानुसार पहले की जाती हैं, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है, नंबर एक जर्नल में, नंबर दो रोकड़ बही में, नंबर तीन विक्रय बही में और नंबर चार इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT 2016 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की में इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जर्नल में माना गया है, परंतु यहाँ पर यह बात क्लियर नहीं हो रही है कि विशेष छूट का क्या अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है, मैसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा, नंबर एक सामान्य व्यय खाते में, नंबर दो क्रय खाते में, नंबर तीन स्टेशनरी खाते में और नंबर चार उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक क्रय खाते में। देखिए, प्रश्न में यह माना गया है कि मैसर्स स्टेशनरी मार्ट एक स्टेशनरी की दुकान है। तो देखिए, जब कोई भी दुकानदार किसी सामान में क्रय विक्रय करता है तो वह उसके लिए क्रय खाता अर्थात माल खाता माना जाता है, तो यहाँ पर क्रय खाते में सही आंसर होगा। अगर यह दुकान स्टेशनरी की नहीं होती तो यहाँ पर सामान्य व्यय खाते में उत्तर हो सकता था। हमारा जो अगला प्रश्न है, जर्नल एक पुस्तक है, नंबर एक पहली प्रविष्टि की, नंबर दो मूल प्रविष्टि की, नंबर तीन तिथिवार प्रविष्टि की और नंबर चार उपयुक्त सभी की। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, क्रय खाता कब क्रेडिट किया जाता है, नंबर एक जब माल नगद खरीदा जाता है, नंबर दो जब माल उधार खरीदा जाता है, नंबर तीन जब माल बेचा जाता है और नंबर चार जब माल व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाला जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार, जब माल व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए निकाला जाता है तब क्रय खाता अर्थात परचेज अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर कुछ और कंडीशन है जब परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जा सकता है, जैसे माल का आग द्वारा नष्ट हो जाना, माल को नमूने के रूप में देना, माल का चोरी हो जाना, इन परिस्थितियों में भी क्रय खाते को क्रेडिट किया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है,
एक नई मशीन का स्थापना व्यय डेबिट किया जाएगा, नंबर एक स्थापना व्यय खाते में, नंबर दो रोकड़ खाते में, नंबर तीन मशीनरी खाते में और नंबर चार लाभहानि खाते में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीन मशीनरी खाते में। कि जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसको लाने और लगाने के जो खर्चे होते हैं वह भी उस संपत्ति के मूल्य में जोड़ लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी और मशीनरी खाता यहाँ पर डेबिट होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक जनरल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं कहलाते हैं, नंबर एक दोहरी प्रविष्टि, नंबर दो बहु प्रविष्टि, नंबर तीन अतिरिक्त प्रविष्टि और नंबर चार संयुक्त प्रविष्टि। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर चार संयुक्त प्रविष्टि अर्थात कंपाउंड एंट्रीज। हमारा अगला प्रश्न है, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए, नंबर एक रमेश के खाते में, नंबर दो वेतन खाते में, नंबर तीन रोकड़ खाते में और नंबर चार लाभहानि खाते में। तो देखिए जब हम रमेश को वेतन दे रहे हैं तो यहाँ पर रमेश का नाम नहीं आएगा, यहाँ पर एंट्री होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर पूछा गया है क्रेडिट क्या होगा, तो यहाँ पर रोकड़ खाता क्रेडिट होने वाला है और हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहन को 2000 रुपये वेतन दिया गया, इस लेन देन में कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, नंबर एक मोहन का खाता, नंबर दो वेतन खाता, नंबर तीन रोकड़ खाता और नंबर चार मजदूरी खाता। तो देखिए यहाँ पर मोहन को जो पैसा दिया गया है वो वेतन के रूप में दिया गया है, जब किसी व्यक्ति को वेतन मजदूरी आदि के रूप में पैसा दिया जाता है तो उसका नाम यहाँ पर नहीं लिखा जाता है, क्योंकि नाम लिखने का मतलब है उसको उधार पैसा दिया गया है। तो यहाँ पर एंट्री जो होगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी और यहाँ पर पूछा गया है डेबिट क्या होगा, तो यहाँ पर वेतन खाता डेबिट होगा, वेतन खाते को अंग्रेजी में सैलरी अकाउंट कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक नए प्लांट मशीनरी की स्थापना पर भुगतान की गई मजदूरी को डेबिट करना चाहिए, नंबर एक मजदूरी खाते में, नंबर दो रोकड़ खाते में, नंबर तीन प्लांट खाते में और नंबर चार उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर तीन प्लांट खाते में। जब भी कोई हम संपत्ति खरीदते हैं तो उसको लाने और लगाने तक के जो व्यय है वो उसके खाते में जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर मजदूरी खाते के स्थान पर प्लांट अकाउंट डेबिट किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मशीन खरीदी इसके जनरल लेखे में मशीन खाता, नंबर एक डेबिट होगा, नंबर दो क्रेडिट होगा, नंबर तीन डेबिट व क्रेडिट दोनों होगा और नंबर चार उपयुक्त में से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर एक डेबिट होगा, क्योंकि मशीन खरीदने पर एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप इसी प्रकार के क्वेश्चनों वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी एचईएससी जीडीसी कॉमर्स वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर आपको इस प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।